एक दिन भिखारी के साथ में आज आपका होस्ट एक बार फिर हाजिर है एक नए भिखारी के साथ। अरे शुगुफ्ता जल्दी कर, देर हो रही है, देर हो रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा होगा। तू एक काम कर, तू नागन पे बच्ची के साथ बैठ और मेरे शहजादे को सखियासन पे उतार दे। चल सही है, तू भी निकल जल्दी, बस कर, कितना निकालेगा। कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना, मोबाइल रख लिया ना। चलो ठीक है, आप निकलो। साहब कुछ अल्लाह के नाम पे दे दोगे? जी मैं एक दिन भिखारी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रोग्राम वाले ना, उस सवाल शुरू करो फिर। आपने अपनी बेगम को नागन चौरंगी भेज दिया, अपने बेटे को सकिया सन भेज दिया, आप खुद कहाँ बैठते हैं? मैं बैठता नहीं हूँ। बैठेंगे नहीं तो भीख कैसे मांगेंगे? भीख नहीं मांगता भाई मैं। भीख नहीं मांगते तो क्या करते हैं? बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? ये क्या वाहियात हरकत कर दी आपने? साहब मैं नाड़े बेचता हूँ। तो ये बात आप मेरी शलवार को हाथ लगाए बगैर भी कह सकते थे। वैसे क्या वाकई नाड़े बेचकर आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं? आ जाओ साहब, तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। फिर हम लोग एक होटल पे पहुंचे और उन्होंने अपने नाड़े बेचना शुरू कर दिए। आपने एक भी नाड़ा नहीं बेचा फिर भी पैसे लेकर आ गए, ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। भाईजान इसका मतलब आपने सही से देखा ही नहीं। भाईजान पहले मैं काफी देर तक टेबल पे चुपचाप खड़ा रहता हूँ, फिर वो कहते हैं यार माफ करो भाई, तो मैं उनकी तरफ नाड़े बढ़ा देता हूँ, फिर वो कहते हैं भाई मैं क्या करूँगा नाड़ों का, नजर नहीं आ रहा पैंट पहनी हुई मेरी, फजूल में नाड़े बेच रहा है। उसके बाद मैं गरीब सी शक्ल बना के खाने का बोलता हूँ तो आखिरकार थक हार के वो मुझे पैसे दे देते। ये नाड़े देख रहे हैं आप, ये मैंने एक साल पहले खरीदे थे, आज तक नहीं बिके, एक बार सरमायाकारी और जिंदगी भर मुनाफा। लेकिन अगर कोई नाड़े भी ना ले और पैसे भी ना दे फिर आप क्या करते हैं? भाई ये बड़ा जानदार सवाल कर दिया आपने, फिर पता है हम क्या करते हैं? जिस बंदे से मांग रहा होता हूँ ना, वो जिस दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है उससे वही चीज मांग लेते हैं। मसलन तंदूर के बाहर रोटी, हॉस्पिटल के बाहर दवा, और होटल के बाहर सालन, दूध की दुकान के बाहर बच्चे का दूध। अब मांगो ही इतना, वो सोचेगा टाइम लगेगा तो वो भी पैसे ही दे देते। अच्छा हुआ आपने बता दिया, कल ही एक आदमी अपनी बच्ची की दवाई मांग रहा था तो मैंने दवाई के बजाय पैसे दे दिए। आ जाओ यार, आ जाओ उधर चलो। आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? मुझे कराची आए हुए 6 साल हो गए। अचानक किसी शख्स के पीछे जाकर उसे मारने लगे और माँ बहन पुप्पो खाला की गंदी गंदी गालियां भी देने लगे। मैंने सोचा कि जाकर उनको रोकूं, लेकिन कहीं हमें भी कोई मुक्का या लात ना पड़ जाए, तो ये सोच के उनके वापस आने का इंतजार किया। ये कौन था और इसको आपने क्यों मारा? ये साला 3 महीने पहले कराची आया है और आते ही नाड़े बेचना शुरू हो गया, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको पकड़ा था। भाईजान हम भिखारियों में भी ना कुछ रूल्स होते हैं, पहले ट्रैफिक सिग्नल, पार्क, मस्जिद, मजार, ये सब जगह टाइम लगा के 6 साल बाद इस पोजीशन पे आया हूँ मैं कि नाड़े बेचूं। और अगर ये कल फिर वापस आ गया तो फिर मैं अपने ठेकेदार को बोल दूंगा, वो उसको समझा देगा, नहीं तो गांव वापस भेज देगा। वैसे भी भाई अब और गैर मुकामियों की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। छोड़ो यार तुम इन बातों को, आ जाओ तो मैं खाना खिलाता हूँ मस्त। खाने का सुन के हमारे मुंह में पानी आ गया, लेकिन जब खाने पहुंचे
तो पता चला कि वो हमें एक लंगर में ले आए हैं, जहां हमने कुर्सी पर बैठकर चने का पुलाव खाया और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर खाने के बाद उन्होंने अपना आईफोन निकाला और अपनी जौजा को कॉल की। हाँ, सब सही है? हाँ सही है। कितने हो गए? 4,000। कितना? 4। बस सही है, फिर तू आ जा। तेरा कितना हुआ? मेरा भी 5 तक हो गया है, बाकी छोटू भी 1-2 ले आएगा। बच्ची का दूध नहीं हुआ है अभी तक। हाँ बस ठीक है, तू छोड़ दे, वो मैं कर लूंगा। ये 4 और 5 क्या है? बेगम ने 4,000 रुपए कमाए, मैंने 5 कमाए। छोटू भी 1-2 लेके आ जाएगा, बाकी आजकल ऑफ सीजन है, नहीं तो 15-20,000 पहुंच जाते हैं, अभी 10,000 हुए। ये सब सुनकर हम दिमाग में हिसाब किताब करने लगे और जब महीने का टोटल 3-5 लाख सामने आया तो हमारे सर पर ठंडा पसीना आ गया और टोपी उतार के पसीना साफ किया। आप हट्टे कट्टे आदमी हैं, मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भीख मांगते हैं और हड़हरामी करते हैं। ये चीज़ तो हमारे दीन में भी मना है, लेकिन आपने तो अपनी अगली नस्लों को ही इस काम पे लगा दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हो गया, हटाओ यार अब इन बातों को, चलो बच्ची का दूध लेने चलते हैं। अब तो आपके पास पैसे भी आ गए, क्या अब आप दूध खरीदेंगे? पागल, इतना समझाया अभी भी कारोबार नहीं समझे, आ जाओ। जी तो आज का दिन आपका ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया। आज का तो ख़त्म हो गया, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये सब कब ख़त्म करना है? आखिर कब तक आप मांगते रहेंगे? बस मेरा टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद ये सब छोड़ दूंगा। तो आपका टारगेट क्या है? कनाडा, मुझे फैमिली के साथ कनाडा जाना है और वहाँ पे फिर जाके PR अप्लाई करना है। आजकल मैं ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा हूँ अपनी। देखे भाई, पिछले साल मैं दुबई गया था, उससे पिछले साल थाईलैंड गया था, अभी कुछ महीनों बाद टर्की जाना है, तो इस तरह हिस्ट्री बन जाएगी हमारी। अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाहे तो? अरे सर, आप तो नेचुरल है, शक्ल तो ऑलरेडी टेढ़ी है, बस ये टोपी उतार दें, ये कोट उतारे, कोट उतारने के बाद गिरबान के बटन खोल लो आप। बल्कि एक काम करो, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री नाड़े, बिस्मिल्लाह शुरू हो जाओ। फिर हमने उनको अल्लाह हाफिज किया और हमने भी भीख मांगने की ट्राई की। भाई अल्लाह के नाम पे ना, गाल पे थप्पड़ पड़ते ही अकल ठिकाने आ गई और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके।